संतप्त मानस शांत हो जिनके एक सौ पांचवीं गाथा पूर्ण पढ़ो। पद्यानुवाद तो इतने अच्छे बन पड़े हैं कि जो मूल गाथा से भी उतना स्पष्ट नहीं होता है अब वो उससे पढ़ते ही स्पष्ट होता जाता है। बोले कितनी सरलता है, यदि द्रव्य ना हो स्वयं सत। तुमको कभी कभी ऐसा लगता होगा कभी तो ये कल पद्यानुवाद से बहुत अर्थ करते हैं, कभी मूल गाथा से करते हैं, कभी टीका से करते हैं। जब जो ज़्यादा सहज और सरल होता है ना उससे करता हूँ, जिसे जल्दी लोगों के गले उतरे वो बात। अब देखो कितने क्लियर है, यदि द्रव्य ना हो स्वयं सत, यदि द्रव्य को सत नहीं मानेंगे तो असत होगा नियम से, तो फिर वो असत होगा। अब इसमें क्या कहना है देखो नहीं? कि सत नहीं है तो असत है। यदि द्रव्य को हम सत नहीं मानेंगे तो वो नियम से असत होगा। और वो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब स्वयं ही सत्ता ही द्रव्य है, मान द्रव्य और सत्ता अभिन्न है। देखो किम होए सत्ता से पृथक, जब द्रव्य सत्ता है स्वयं, द्रव्य स्वयं सत्ता ही है तो वो उससे पृथक कैसे हो सकता है। अब बिल्कुल एकदम सर्वसाधारण की समझ में आ जाने वाली बात है। कभी कभी तो इतना अधिक सरल हो जाता है कैसे तो आचार्य को ये बात इतनी सी लिखने की क्या जरूरत है, हम इतना ही नहीं समझते हैं क्या कि वो सत्य नहीं बोलता है तो उसका मतलब झूठ बोलता हो। इसमें क्या कहना कि जो सत्य नहीं बोलेगा वो नियम से झूठ बोलेगा क्यों, इसकी क्या जरूरत है कि जो सत्य नहीं होगा वो असत होगा। और कहते हैं फिर इसका मतलब वो असत होगा भाषा है होने की, लेकिन वास्तव में है कि वो नहीं होगा। सत्य नहीं होगा तो होगा ही नहीं ना। ये आता ना अपने ज्ञानाबनी कर्म के उदय निमित्त है, इसका ये निमित्त है, इसका ये निमित्त है। फिर आता है कि वो छह निमित्त है। छह माने क्या होता कि अभाव, तो अभाव निमित्त है, इसका सीधा सच्चा अर्थ नहीं है कि निमित्त का अभाव है। समझे माने कर्म का छह निमित्त है, माने कर्म का कोई स्वरूप उसमें निमित्त नहीं है, माने उदय है। होता तब सक्रियता से निमित्त कहलाता है, अब वो ऐसे ही है कि उसका अभाव इसमें निमित्त है। तो अभाव को निमित्त कहने का मतलब क्या है, उसका सीधा सच्चा अर्थ क्या है कि निमित्त का अभाव है। लेकिन हमने उस अभाव रूप निमित्त को इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि ये जो हाथी है ना जो हमने देखा है ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े होने की एक सीमा है। लेकिन हमारे कल्पना लोक का हाथी तो जम्बूद्वीप से भी बड़ा हो सकता है, सुमेर पर्वत से भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब उसमें तो कोई मर्यादा है ही नहीं ना कि भाई देख लो कितना बड़ा है, है? हमें कल्पना ही करना है ना। तो ऐसे कह देगा उसका अभाव, अभाव का क्या मतलब है, यानी वो अभाव रूप निमित्त भी हमारे लिए इतना बड़ा हो गया कि हम जो जिसमें उपादान में सद्भाव में काम होना है
उधर से हमारा ध्यान हटकर अब उसका अभाव निमित्त है, हम उसके अभाव करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। क्यों करते हैं ना, भैया मेरे ज्ञानावली कर्म का क्षय कैसे हो, माने हम उसके हम उसमें पॉजिटिव ही कुछ करने में समर्थ नहीं है, है? उसमें जो होता है ना उसमें ही कुछ करने में समर्थ नहीं है, अब हम अभाव करने में लग गए। टोटमल जी ने इसके लिए बहुत अच्छा लिखा कि आखिर तुम क्या करोगे बताओ, तो उस कर्म का भी अभाव करने के लिए तुम आत्मयी का ध्यान तो करोगे, आत्मयी की तो करोगे ना, तो फिर बात आत्मामयी करने की रह गई ना, कर्म में करने की कहाँ भाई। ये क्यों कहते हो कि हमने कर्म का अभाव कह किया, कि हम कर्म के अभाव का प्रसार्थ कर रहे हैं, मैंने जबरदस्ती एक बात अपने माथे पे उड़ रहे हो, कौन से कर्म का उदय कहाँ कितना निमित्त है, कौन सा उपशम है, कहाँ क्षय है, कहाँ क्षय उपशम है। वो टोनामल जी साहब कहते हैं हम तुम लोगों से बहुत अधिक जानते हैं, हमने सारी जिंदगी उमर सार पढ़ा है, टीका भी लिखी है, अब तो हमें बता रहे कर्म का उदय क्या है, उसके करने के लिए भी हमें क्या करना है। कैसा पुण्य बांधेंगे तो ऐसा ऐसा आएगा, फिर भूदय में आएगा, पाप बांधेंगे तो ऐसा ऐसा नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक और सुरक का भय लोग दिखाकर, ये लोग सुरक और नरक के अस्तित्व इनकार करते हैं, उसका कारण क्या है। ये जो पंडित लोग उन्हें जबरदस्ती बात बात में सुरक और नरक का भय दिखाते हैं और उससे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वो कहते ना रहे बांस ना बजे बांसुरी के, किसने देखा कि सुरग और नरक है, नहीं तो उसे सुरग किसी ने देखा नहीं है तो तुझे विरोध काहे का है, होंगे तो बने रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जो कहते हैं नहीं नहीं हम तो मानते हैं ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वास्तव में वो किस बात से इनकार कर रहा है, वो सामने वाला जो चाबुक का प्रयोग कर रहा है ना सुरग नरक की, वो उसका निषेध कर रहा है कि इसके बनाने में बुद्धू मत बनो, यानी वो पुण्य कर्म करने के लिए पाप कर्म नहीं करने के लिए हमें पुण्य में और पाप में क्या करना है, पुण्य पाप में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि पांच अनुवृत्त हैं और पांच महावृत्त हैं, इनमें क्या करना है, कैसा अनुवृत्त पालने पड़ेंगे, ये महावृत्त पालने पड़ेंगे, यार ये आसान नहीं है, पसीना निकल जाता है, कह रहे क्या करना, बोलो क्या है बताओ, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, उसमें अनुवृत्त भी आ जाएगा और महावृत्त भी आ जाएगा जैसा जिसके हो, चोरी नहीं करना, आप देखें व्यभिचार नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना और फिर परिग्रह नहीं जोड़ना, तो ये पांचों में करना क्या होगा, ये तो सब नहीं करना होगा ना पहला जी, तो उसकी भाषा ही ऐसी है। इसलिए तो जी मेनका गांधी वगैरह है ना, इनके भाषण मैंने सुने हैं शाकाहार पे, पशु पक्षियों की दया पे, इस पे तो ये यही कहती हैं कि जेनी कोरी दया की बात करते, करना धन्ना तो कुछ है नहीं, पर इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये देख के चलो कोई मर ना जाए, इसे क्या होता है, क्या करो, पक्षियों के अस्पताल खोलो, पक्षियों के घर में खाने पीने की व्यवस्था करो, और इनको मतलब माने पॉजिटिव कुछ करो, माने उसमें तुम करो तो तुम्हारा वो अहिंसा महावृत कहलाएगा, जीव जंतुओं को तुमसे तकलीफ ना पहुंचे और तुमसे हिंसा ना हो उनकी, ऐसा मात्र धर्म नहीं है, वो कहते ये नेगेटिव धर्म है, पर आप कहोगे नहीं बात तो यही बात है, वो तो हम कर ही नहीं सकते, किसी का क्या क्या कर सकते, एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, उसके पाप पुण्य के उदय के बिना हम क्या कर सकते हैं, बोलो अपनी यही बात है ना, तो वो कहते हैं तुम्हारा तो नेगेटिव है, कुछ नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो,
अब जो आरोप लगाते हैं वो सही भी है कि अपन कह ही रहे ना, मैंने कहे नहीं साहब अपने बदलने, तो हम क्या करते हैं, नहीं साहब हमारे यहाँ भी करना है और हमारे जैनियों ने कम नहीं की है सेवा, इतने तो औषधालय खोले हैं और इतने देश में इतने गौशालाएँ खोली हैं, इतना ये किया है इतना ये किया है, तो हमने देश की कितनी सेवा की है, फिर हमको गिनाने लगते हैं। आजकल किताबें लिखी जा रही परमात्मा इस सब्जेक्ट पे, क्या जैन बंधुओं की देश सेवा, कॉलेज में अभी सब्जेक्ट था ना ऐसा, राजस्थान की जैन समाज का स्वतंत्रता में योगदान है, समझे ना, मतलब हमने क्या किया देश के लिए, हम बिल्कुल शांति से रहे और उपद्रव नहीं किया, तो गवर्नमेंट में जो उपद्रव खत्म करने के लिए इतनी पुलिस इतनी सेना इतना रखना पड़ता है ना, तो वो हमारे लिए नहीं रखनी पड़ी, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये हमने कम योगदान किया है क्या है? हमारे लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। अपना जब जुलूस निकला था सन 91 की बोलता हूँ पंच कल्याणक का, तो सारे जौहरी बाजार में से निकला था, आपकी बात तो अपन ने जुलूस ही नहीं निकाला बाहर, तो सारे जौहरी बाजार में गवर्नमेंट ने बहुत पुलिस लगाई थी क्योंकि उस वातावरण भी खराब था, लेकिन अपना जुलूस इतना शांत था कि पुलिस को कुछ करना ही नहीं पड़ा, पर ऐसी दर्शक की जैसी चलती रही बस। तो गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने कहा कभी हमने तो ऐसा जुलूस नहीं देखा आज तक, हिंदुओं का निकले मुसलमानों का निकले ईसाई जो किसी का भी निकले उनके लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, ये तो कुछ करते ही नहीं चुपचाप चले जाते हैं। तो इस देश को हमने इतने अच्छे नागरिक दिए, ये हमारी देश की कम महत्वपूर्ण सेवा है कि तुमने कहाँ दिए, तो अच्छा नहीं दिए सही, तो हमने एक नागरिक तो दिया देश को अच्छा, कौन अपना स्वयं, अब मैंने एक कम है, ये अपने आप में असली धर्म है, अपने कहते भी हैं मना कैसे कर सकते हैं, अब वो लोग हैं वो गले उतरता है क्योंकि वो कहते हैं इनने हमें कुछ करने को तो बताया है? हमें कुछ करने को तो बताया, वो कहते पहुंचे थे फिर कुछ करो, तो इसमें क्या करो फिर, एक दे खोलो ये खोलो, इसके लिए इतना पैसा तो हमारी संस्था है जीव प्राणियों की रक्षा में, उसमें 25 लाख रुपये देना पड़ेंगे, तो हम एक भाषण देंगे, भाषण देने के ऐसे 2 लाख 4 लाख ऐसी रुपया लेती है, और आने जगह फर्स्ट क्लास किराया महाराज मिलन मिलन का वो अलग, और वो तुम्हें आकर ये समझाती है कि तुम अहिंसा का सही स्वरूप नहीं समझते हो, जीव दया का सही स्वरूप नहीं समझते हो, अपने यहाँ तो मुनि धर्म में जो जीव दया का स्वरूप है बस, ये कल परसों बताया था ना, जीव की जाति को पहचानो और कोई जीव हमसे नहीं बने, और हमारा जीवन खान पान उठना बैठना पूर्णतः अहिंसक तो नहीं लेकिन कम से कम हिंसक हो, ऐसा हमारा जीवन रहे, हमारा तो ये है ही, अब हमारे ही साथी जो ये नहीं जानते हैं कि सचमुच हमारा धर्म ऐसा है तो भाई ऐसी कर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ है, हमारी सेवा करने की बात है, दया करने की बात है, दान देने की बात है, और हम लोगों ने दिया भी बहुत है, और सबने वो कहने लगते हैं हमने देखो इतने संस्थाएं बनाए, इतने मंदिर बनाए, इतनी मस्जिद बनाई, मतलब इतनी एजुकेशन की संस्थाएं बनाई, तो वो कहते तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है, गवर्नमेंट का चुरा चुरा के रखा है, और हमको ही बताते हो हमें दिया, फिर ऐसा कहने लगते हैं। मुझे पक्का याद है कि यहाँ पर एक जब वो बास वालों का सम्मान हो रहा था रामलीला मैदान में, तो उस वक्त जगजीवन राम खाद्य मंत्री थे, सही घटना है, और उनको बुलाया था, मैं भी उस सभा में था, ये भाग्य की बात है कि मैं आया जब से तब से जब कोई भी बड़ी सभा रामलीला मैदान में होती थी जिसमें प्रधानमंत्री तक आए मुरारजी देसाई वगैरह, तो अपन को चारों समाज में से हर आदमी बुलाते थे
और अपना एक 10 मिनट का ही सही, लेकिन अपना व्याख्यान भी कराते थे। तो इन सब ने क्या कहा कि देखो साहब, हमारे ये उपवास करने वाले हैं, इनने देश की बड़ी सेवा की, आपका सहयोग किया। क्या 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 सहयोग किया? आप खाद्य मंत्री हैं, खाने के अनाज की बहुत कमी है, तो इनने 10 दिन तक अनाज नहीं खा के देश का इतना अनाज बचाया। एक तर्क दे दे के उन्हें समझाया, वो तालियां पिटी, 10 दिन का अनाज बचा लिया। और सबको एक एक दिन, हमें इस सप्ताह में खाना छोड़ना चाहिए, तो इतना देश का खाना बचेगा। ये पता नहीं है कि उस दिन तू भूखा रहेगा तो दूसरे दिन डबल खा लेगा, अनाज बचने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर को तो जितना चाहिए शरीर उतना लेगा। समझ गए ना आपकी? तो जगदीवन राम ने जो भाषण दिया था वो बता रहा हूँ मैं आपको। उनने कहा कि तुम सेठिया लोग, एक दिन का हमें तुम्हें भूखों मार कर अनाज नहीं बचाना है। हमारी समस्या तो भूख हो कोई ना सोए, उनके लिए अनाज जुटाना है। क्या किसी को भूखे रखना हमारी समस्या नहीं है, हमारे काम नहीं है। आप खूब खाइए, कोई उपवास उपवास मत कीजिए, लेकिन वो जो गोडाउन में तुमने लाखों बोरी छिपा रखा है ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, वो निकालिए। हमने नक्की किया है कि हम सब पर छापे मारेंगे और वो सब निकलवाएंगे, वो तुमको जेल में डालेंगे। ये कहा उसने भाषण में। वो जमाना गया कि जब मिनिस्टर केंद्र का भरी सभा में जनता से ऐसा बोल सकता था। और वो उन लोगों में से लोग थे कि जो कभी जिंदगी में जीत हारने की कल्पना नहीं कर सकते। क्या कि जो हार जाएगा उनका मुर्दा भी खड़ा कर दो तो जीतेगा, मतलब इतनी क्रेडिट वाले लोग थे, डरते नहीं थे। तुम्हारी चापलूसी करने नहीं आए वो। तो एक तर्क उसने दिया था। देखो अब मैं कहता हूं जी, असली जैन धर्म का असली तर्क है क्या? हमारे यहां उपवास करते हैं माताएं बहनों ने, वो सचमुच अनाज बचाने के लिए करते हैं, फिर काय को जबरदस्ती का श्रेय लेने की कोशिश करना? नहीं, मेरा मतलब है, ये है ही नहीं, हमारा उपदेश भी नहीं है कि देश का अनाज बचेगा इसलिए एक दिन नहीं खाओ। एक आदमी ने भी ऐसा नहीं किया होगा कभी। हम इतना तो बर्बाद करते हैं, थाली में खाना छोड़ देते हैं और तरीके से करते हैं, नहीं बर्बाद, उसे तो बचाएंगे नहीं। आज हमने खाना छोड़ दिया, फिर उसमें खाना छोड़ने खाना खाते 5 रुपये का, फिर फंक्शन करेंगे 50,000 का, क्योंकि इनने खाना छोड़ा है। हम रामलीला में बैठ कर खाना छोड़ेंगे, क्या करेंगे? उपवास बोलते हैं ना, वो अनशन उपवास जो भी कहो, अपने यहाँ उपवास को अनशन ही तो कहते हैं, अनशन अमोदरीय वृत्ति बड़ी संख्या करेंगे ना। तो कौन है ना, अपना अन्ना जी, अपने अन्ना जी नहीं है? तो हम उपवास करेंगे, रामलीला मैदान में करेंगे। अरे तुम्हें उपवास करना है तो अपने घर में बैठ के शांति से करो ना, कि हम 10 दिन का करेंगे। क्या 10 दिन का करोगे? हमारी महिलाएं 10 दिन का घर में बैठ के शांति से करती हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है, किसी ने कोई मांग नहीं की शांति ला दी आज तक। ये तो हमने ही कि साहब 10 दिन का उपवास किया तो हम उनका सम्मान करेंगे, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी। करो तो, नहीं करो तो, करो तो आप जबरदस्ती ले जाते हो। वे तो बिताई 10 दिन की भूखी होती हैं, तो उन्हें तो जाने में बहुत तकलीफ होती है। अनाज बचाने के लिए उपवास नहीं किया जाता जैन धर्म में, तो झूठा श्रेय लेने की क्यों कोशिश करते हो? नहीं करना चाहिए ना, मतलब हमने ऐसी बात कही तो उसे भी वो तर्क समझ में आ गया कि हम तो सारे देश में से लोग भूखे रहे हैं। ये ऐसा ही देख संलेखना चाहूंगा, लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, उनके खाने की कोई चिंता नहीं कर रहा, केवल रात में सो रहे हैं। अब 1 करोड़पति अपनी मर्जी से भूखा रह गया,
वही करोड़पति जिंदगी में 2500 दफे रहा था। पर्यूषण में वो अब्बास के नाम पर किसी नाम पर किसी के नाम पर रहता, करते थे क्या नहीं करते थे, क्यों तो किसी ने फिक्र नहीं करी। जब उसे खाने जरूरत थी अनाज की, जब वो भूखा रहा तब कोई ने चिंता नहीं करी। अब जब जरूरत नहीं रही, अपने तो लिखा है ना कि प्रतिकार नहीं, जब वो अनाज बर्दाश्त नहीं हो तब छोड़ना, तो कहाँ छोड़ा। वो तो ये कहता है कि किसी को भेजना नहीं, निकालना नहीं। यदि वो जाए तो प्रेम से शांति से विदा कर देना, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहा है अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे ना कांजी स्वामी, उनका एक नेचर था, कितना ही प्रेम हो उन्हें किसी से, देश का तो कोई सवाल ही नहीं था। और हम लोग जब जाते थे, गुरुदेव अब हम आज जा रहे हैं कहने तो जाते थे ना, इतना तो कहते थे कि हम जाएंगे साहब आज। अच्छा ठीक, कभी ये नहीं कहा होगा कि और दो चार दिन रहते, क्या कोई काम है, जल्दी जाना है, अच्छा प्रकरण चल रहा है, कुछ नहीं। आपने कहा जा रहे हैं तो उनने जान लिया, आए हैं तो जान लिया, समझे। ऐसा नहीं है, कितना ही हमसे तो बहुत प्रेम करते थे, वो सारा देश जलता था, इतना करते थे। एक दफे तो उनने मुझसे कहा था, कोटा में थे गुरुदेव, वहाँ ठहरे थे, रात को मैं उनने मिलने गया था, तो एक अखबार उनने संभाल के रखा था मुझे दिखाने को। तो मेरे जैसे मान लो मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे हूँ, तो वो अखबार मुझे दिखाया, अपने उसमें जिसमें सोते हैं ना मच्छरदानी लगी हुई, उसमें बैठे बैठे पंडित जी अखबार पढ़ा अपना, जैन संदेश था, और उसमें एक लेख था खुशाल चंद गोरावाला का, नाम नहीं सुना होगा तुमने किसी ने, तुम तो जानते हैं परमात्मा, बनारस में एक विद्वान थे और वहाँ की गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में सर्विस करते थे, और मतलब हल्के नेचर के विद्वान तो अच्छे थे। तो उन्होंने लेख लिखा था, उस लेख में ये लिखा था कि भोपाल में मुझे 2500 रुपये का 1000 रुपये का इनका इनाम मिला था, तो मैंने गुरुदेव के सामने थैली रख दी थी और उसमें 101 रुपये मिला के कि जी अपने ज्ञान प्रचार में ये काम में ले लेना। तो उसने लिखा था कि ये सोनगढ़ वालों ने जानबूझकर डॉक्टर हरमुंजन भाईल को 25,000 रुपये का इनाम दिया और फिर वापस ले लिया, समझिए ना, मतलब ये वापस करवा दिया। वो ये पंडित फूलचंद जी के अपमान करने किया, इस तरह उनने फूलचंद जी का अपमान किया। अरे हुकुमचंद के साथ ऐसा किया तो फूलचंद जी का अपमान कैसे हो जाएगा, क्योंकि विद्यानंद जी ने सब 25 विद्वानों को 2500वें निर्माण वर्ष में 2500-2500 रुपये के पुरस्कार दिए थे, उसमें 2500 रुपये भी बहुत होते थे, तो वो फूलचंद जी ने ले लिया था। तो ऐसा करके कि इन्हें 2500 की जगह 25,000 दिए और फिर भी इनने नहीं लिए, तो ऐसा करके उनका अपमान किया है, वो लिखा था उसमें कैलाश चंद गोरावाला ने। अब फूलचंद जी के बिल्कुल नज़दीक थे वो, हैं, समझ गया तो मैं लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब वो गुरुदेव ने पढ़ा और शांतिपूर्वक संभाल के रखा और मुझे बताया, और फिर ये कहा कि मेरे मन में तो बहुत आता है लेकिन मैं कम बोलता हूँ तुम्हारी प्रशंसा में। मैंने कुछ नहीं कहा, क्या कहता मैं, क्योंकि लोग तुमसे फिर जलने बहुत लगते हैं, यदि मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों में जलन शुरू हो जाती है जो मुझे साफ दिखती है, ऐसा बोले, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मैंने कहा उनसे इसका जवाब में कि गुरुदेव आप श्री जो भी बोलते हैं वो बहुत है, लेकिन मैं उसे बोलने को मना इसलिए नहीं करता हूँ, मैंने उतना भी नहीं बोले तो चले, लेकिन इसलिए मना नहीं करता हूँ कि आपके बोलने से 10 गुना काम होता है। ये क्रमद पर्याय किताब है ना, आपने नहीं बोली तो 10,000 बेचना कठिन हो जाती है,
आपने दो शब्द बोल दिए इसके बारे में तो 100,000 बिक जाती है एक महीने में। तो धर्म के प्रचार में वो सहयोग मिलता है ना, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। जो भी आपने कहा उसमें कोई विकल्प नहीं करता हूँ कि कम कहा कि ज़्यादा कहा कि और ज़्यादा कहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है, हर चीज का रिएक्शन, हर चीज का रिएक्शन, किसने किससे क्या कहा। हमें हर धर्म की क्रिया का अपना वो चाहिए क्या, कि हम उपवास करते हैं तो हम देश की सेवा में भी शामिल हो जाए, समाज की सेवा में भी शामिल हो जाए, फिर एक हमारा सम्मान भी हो जाए, फिर हमें पुरस्कार भी मिल जाए, और फिर पुण्य भी बन जाए और कर्म भी कट जाए, क्यों मेजरा भी हो जाए और पुण्य भी बन जाए। ठीक है, उपवास करोगे ना, तो उपवास क्या है, तप है ना, तप से क्या होता है, लेकिन तपसा निर्जरा चय, तो निर्जरा होगी कि पुण्य नहीं बनेगा। यदि ये समझाओ सबको कि तुम्हें पुण्य नहीं बनेगा और कर्म की निर्जरा होगी तो आधे रह जाएंगे उपवास करने वाले, निर्जरा के लिए किसी को नहीं करना है। कि निर्जरा क्या होती है, कि वो कर्मों का झड़ना है ना, वो कर्मों का झड़ना। अच्छा था कर्मों का झड़ना तो पुण्य भी झड़ जाएगा। इसे कहाँ कर्म झाड़ना है, ये तो मोक्ष में भी जाएगा तो पुण्य को लेके जाएगा साथ में, पाप पाप झड़ जाए और पुण्य नहीं झड़े। लेकिन भाई साहब वो तो दोनों झड़ते हैं तो एक साथ ही झड़ते हैं, आंधी चलेगी तूफान आएगा तो सब उड़ेंगे, अच्छी चीज़ें भी उड़ेंगे बुरी चीज़ें भी उड़ेंगे। यदि कोई उनके मकान डाकुओं का घर गिरेगा तो मंदिर भी गिर सकता है, उनमें ऐसा कोई राग द्वेष थोड़ी है कि किन कुछ देख देख करके गिराना किसको नहीं गिराना। तो वस्तु के स्वरूप की बात है, अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, अपन कौन सी कहा था, 105वीं है ना, ख़त्म करनी है आज है। जो यदि द्रव्य स्वरूप से सत ना हो, यही बात कही थी ना, तो दूसरी गति यह होगी कि वह असत होगा अथवा सत्ता से पृथक होगा, ये भी हो सकता है। देखो टीका में उन्होंने दो बातें ले आई, गाथा में तो एक ही बात है कि वो असत होगा। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं असत नहीं होगा, अलग हो सकता है, द्रव्य अलग हो वो सत अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य सत्ता नहीं है तो अलग होगा, यदि वह असत हो तो द्रव्य के असंभव होने के कारण स्वयं स्थिर न होने से द्रव्य ही असत हो जाएगा। अब वो जो उनने कहा ना असत होगा, तो अपन तो सीधे ही समझ में आ गया, बहुत सरल लग रहा था, अब उनने उसमें और तर्क लगाया। इसलिए कभी कभी कहते थे, खास कर विद्यानंद जी भी कहते थे कि अमृतचंद ने कुंद कुंद की समय सार को द्रूह कर दिया और कठिन कर दिया, क्योंकि मजाक की बात नहीं है वो। अब आप देखो मूल गाथा का अर्थ समझना, जो क्लियर समझ में आ रहा है ना, अब यदि वो सत नहीं होगा तो असत होगा कि सत्ता से पृथक होगा, फिर उसमें बहस करने लगे मुफ्त मुफ्त में भी क्यों। अब बहस में ऐसा तर्क, यदि असत हो तो ध्रुव के असंभव होने के कारण, अब ध्रुव समझो तो उसको असंभव बताओ कि वो कैसे असंभव होगा, जब असत होगा तो उसमें ध्रुवता कैसे रहेगी। अब असंभव होने के कारण स्वयं स्थिर ना होने से, फिर वो ध्रुव के कारण तो स्थिर होता है तो वो स्थिर ही नहीं होगा तो फिर असत होगा, इसलिए वो कहते। माने उनने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ, कल तुम्हें बता रहे टीका लिखना होगा अमृतचंद जैसी, तो कि उसे तुम 5 अंगों से सिद्ध करो, क्योंकि ये तो माने 3 अंग 5 अंग होते हैं ना अनुमान के, हेतु के, हेतु के पढ़े क्या नहीं बने, यत्र किम तत्र एण किम, यत्र किम तत्र पंच भी,
न्याय जीविका में है ना, अन्यथा अनुपन्न तुम यत्र किम तत्वेण किम, ये ना वो गाथा कि वो तीन, तो तीन अंग अब भी पांच अंग ही हो गए शिष्यों के लिए, और विरोधियों के लिए तीन अंग है ना, अब तीन में से दो की भी छुट्टी कर दी थी इसकी उदाहरण की, अनुमान दो ही अंग हैं नोधारण, उदाहरण उसका अंग ही नहीं है। तो अब वो पांचों लगाओ तो, तीन लगाओ तो, दो लगाओ तो फिर वो लंबी उसके पूरे घटित होते जाओगे ना, जब घटित करते जाओगे तो सिद्ध होंगी। अब वो तुम्हें घटित करना आता होगा तो ही तुम वो पंचांग हेतु लगा करके घटित कर सकोगे ना। पंचांग क्यों बोलता हूँ मैं, फिर तीन अंग क्यों नहीं बोल रहा, दो क्यों नहीं बोल, क्योंकि ये सब शिष्यों को समझाने के लिए है ना, तो तीन अंग दो अंग की बात नहीं होगी। तो ये कह रहे कि वो फिर कठिन हो जाएगा, तुम्हें न्याय शास्त्र जानते नहीं हो, उसको तुमने देखा ही नहीं है, नए चक्र पढ़े ही नहीं है, प्रमाण शास्त्र पढ़े ही नहीं है। कल तुम्हारा सब्जेक्ट था ना प्रमाण पर बोल रहे थे ना सब, अभी कोई बैठा जाए मोक्षों में नहीं होगा, कोई नहीं होगा, होगा तो बीच में से उठ के भग गया होगा। अब वो प्रमाण वो नए को बिल्कुल समझने ही नहीं चाहते, तो कैसे उसकी समझ में आएगी, वो कठिन तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो हर चीज को वो प्रमाण से और नए से सिद्ध करेंगे। जो मूल गाथा में बात कही है वो कठिन करेंगे, जैसे वो कहते हैं व्यवहार नो भाषदी जीवो देहो हवदि खलु इको निश्चय न जीवो देहो भी कदापि एकठो। अब इसकी टीका लिखना हो तो कौन छोटी लिखनी के बड़ी, तो बता सकते हैं कि व्यवहार नए कहता है तो लिखो कौन सा उपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहता है। आप समझ रहे ना कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहता है तो नए बता दो, वह छोटी टीका होगी। और फिर बड़ी टीका लिखनी हो तो कैसे लिखोगे परमात्म, नए दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। व्यवहार भी दो प्रकार का होता है, एक सद्भूत और एक असद्भूत। सद्भूत भी दो प्रकार का होता है और असद्भूत भी दो प्रकार का होता है। ऐसे पूरे नए बताओ और बताने के बाद में फिर लिखो कि इनमें से जो अनुप्रेत असद्भूत व्यवहार नए से है उससे भगवान देह और आत्मा एक है। न तो निश्चय देहो भी कदापि एकठो, लेकिन निश्चय से कोई भी एक नहीं हो सकता है। एक तो देह अर्थ हो गया, मैं बता दिया, और बड़ी टीका लिखनी है तो निश्चय नए दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध निश्चय नए एक अशुद्ध निश्चय नए। तो शुद्ध निश्चय नए तीन प्रकार का होता है, एक देह शुद्ध निश्चय नए साक्षात शुद्ध निश्चय नए फिर परम शुद्ध निश्चय नए फिर उन सबकी परिभाषाएँ बताओ। सामने वाला नहीं समझता है तो वो इतना बताए बिना वो टीका कैसे पूरी होगी, बोलो। बोले व्यवहार नए से जीवो देह एक है और निश्चय नए से जीवो देह एक नहीं है, तो ये बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा होगी ना। अब गाथा को समझने में क्या दिक्कत है, अब टीका ऐसी लिखी जाएगी तो उसकी समझ में आएगी कि नहीं, कि सब जैसे सरल कर देंगे, जैसे सरल कर देंगे और कठिन कर देंगे। इसमें एक तो प्रत्यय लगा है, इसमें लिप लगा है, अब वो व्याकरण पढ़ो तुम एक तो प्रत्यय क्या होता है, क्यों आप समझ गए ना, वो बताए कि कौन सी धातु है, इसका किदंत का शब्द है कि तिगंत का है कि अजंत का है, क्यों ये सब एक 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 शब्द से दो दो सौ शब्द बनते हैं, कितने तिगंत के रूप इतने इतने सुगंत के रूप इतने इतने कितने कितने बनते, फिर किदंत फिर तद्धित निकल निकल के बनते हैं कि नहीं, सब बना बना करके। तो ये तो आप समझ गए, सरल हो जाएगी, उसी को भी बालबोधनी टीका कहेंगे है? और यदि जो मैं बता रहा ना, जो हमने कोर्स कैसे बनाया शांतिलाल जी, अपनी अपनी किताबें रख लें, अरे नहीं, क्योंकि तुमको ये समझने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है वो हमने नक्की किया पहले। यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा कभी, प्रोस्पेक्टस
और सिलेबस जानते हो, जानते हो क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, नहीं जानते। रोक टेस्ट माने नियमावली, हमने तो बनाई है ना अपनी परीक्षा बोर्ड की, छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई ना, तो उसकी नियमावली भी बनाई, प्रोस्पेक्टस भी बनाया, सारे नियम और उसके एक पार्ट में सिलेबस। सिलेबस माने पाठ्यक्रम कि इतनी इतनी परीक्षाएं होंगी, उसमें ये पाठ्यक्रम होगा, उसमें ये पढ़ाया जाएगा। तो पाठ्यक्रम में मालूम क्या लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि तत्वासूत्र पढ़ाएंगे और सर्वा सिद्धि पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाते सात तत्व पढ़ाएंगे, छह द्रव्य पढ़ाएंगे, अनेकांत और सात बात पढ़ाएंगे, सात नए पढ़ाएंगे, यानी वो सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, वो सब्जेक्ट तय किए जाते हैं परमात्मा। वो जो हमने 200 पेज की बना के भेजी थी ना, तुम रिपोर्ट देते हो ना, वो 200 विद्वानों को, उसमें वो सब सब्जेक्ट लिखे थे, 100 सब्जेक्ट लिखे थे कि इनको 100 इन चीज़ों का ध्यान बच्चों को होना चाहिए, तो वो स्वाध्याय करेंगे तो उनकी समझ में कुछ आएगा। तो वे 100 सब्जेक्ट बनाए, फिर उन्हें क्रम से कि पहले साल में ये पढ़ाना चाहिए, दूसरे साल में ये पढ़ाना चाहिए, तीसरे साल में ये पढ़ाना चाहिए, चौथी में ये, और फिर ये तीन दफ़े पढ़ाना चाहिए, तो दूसरी में भी पढ़ाना चाहिए, चौथी में भी पढ़ाना चाहिए, फिर संक्षिप्त में पढ़ाना चाहिए, फिर विस्तार में, वो सब माथा पक्की करके फिर वो पाठ्यक्रम की किताबें बनाई, फिर पहले उसकी सूची बनाई, ऐसा नहीं कि बाद में सूची बनाई, सूची पहले बनाई फिर पाठ लिखे, ऐसे किताबें विवादभूत पाठ बनाए तैयार हुई हैं, पाठ्यक्रम ऐसे तैयार होता है। हमने अपनी किताबें कोर्स में नहीं लगाई, हमने जो कोर्स बनाया और बच्चों को जो पढ़ाना था और बाज़ार में उन्हें पढ़ाने के लिए किताबें मौजूद नहीं थीं, तो उनके लिए किताबें लिखीं उनकी उनकी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए वो कोर्स में रखी। हमने तो अपने लिए रख दी थी। फिर मंगलाचरण विश्वविद्यालय ने जैन दर्शन का कोर्स चलाने की सोची, तो फिर वे क्या करते, कौन बनाता उनका कोर्स, कैसे बनाता कोर्स, सिलेबस बना दिया तो हाँ इनकी पाठ्यक्रम लिख दो, इनकी और थोड़ी बड़ी कर दो, छोटी कर दो, तो वो सब तैयार किए। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने यहाँ नए, हमको तो नए पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, निश्चय व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए, नई नई गमादि सात नए, 47 नए, अनेकांत साधवाद और सप्तभंगी, इतनी चीज़ें पढ़ानी हैं, लाओ कोई किताब, वो रख देते हैं कोर्स में, लाओ हिंदुस्तान में से कहीं 2000 वर्ष से लेके आज तक और आगे 10-15 साल लगा लो, है ही नहीं, हम क्या करें, तो आपकी कैसे हो गई, अरे हमने तो उसके लिए लिखी है, क्या पढ़ाना चाहिए ये नक्की किया और उसको पढ़ाने की किताब लिखी और फिर खुद पढ़ाया, पढ़ाने वाले तैयार किए, ये पूरा वो किया बनवा, अकेला कोई थोड़ी सी वो नेतागिरी नहीं की है, समझ ना आपके मन जड़ मूल से एक एक चीज वो की है। हमें आज क्यों पता है कि कहाँ क्या की चीज है, क्योंकि अपने हाथ से सब की है, फिर हर एक चीज़ अपने हाथ से पढ़ाई है, फिर वो सब किया है, सारे पेपर अपने हाथ से बनाए, फिर पेपर की स्टाइल नक्की की, फिर उसी स्टाइल पर सब बनाए जाओ, आज 50 साल से बन रहे, क्यों स्टडी ऐसा करना पड़ती है, करना करो, मैंने ये नहीं है वो जटिल क्यों हो जाता है, अमृतचंद ने जटिल कर दिया, जो बात कही वो इसलिए कही, गुरुदेव ये कहते थे कि अमृतचंद ने खुलासा कर दिया, क्योंकि मूल गाथा में से अर्थ तो समझ में आता है कि यदि द्रव्य सत नहीं होगा तो असत होगा, लेकिन इस बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, कि तर्क और युक्तियां कैसे दी जाती हैं, इस बात को हमें स्पष्टीकरण करना होगा, तो हम सोचते हैं कौन सा उदाहरण खोजूं, एक वो उदाहरण दे दूंगा, एक वो दे दूंगा, एक वो दे दूंगा, ये लोग परीक्षण में जाते हैं ना तो एक डायरी में नोट करे जाते हैं, डायरी बना रखते हैं या नहीं, तो
एक किस्सा सुनाना है, एक किस्सा वो कहानियाँ का नोट कर रहता है, सब्जेक्ट तो नोट ही नहीं होता कि हमें क्या समझाना है। अब वो कहानी सुनानी है उन्हें, अब कैसे सेट होगी, उत्तम सत्य धर्म में कैसे सेट होगी, फिर हम वो तो कैसे 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 काम नहीं होता है। तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने, अमृतचंद ने काम किया, जयसेन ने काम किया, इसलिए वो ये शास्त्र लिख सके, और इसके लिए उनके लिए बहुत सरल हो गया। अब ये वहाँ तुम्हें नए चक्र में मास्टर हो जाओ, प्रमाण शास्त्र में मास्टर हो जाओ, तो तुमको बिल्कुल पानी जैसा निकलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। यदि दूसरे दूसरे माने किंचे हैं, दूसरे यदि द्रव्य सत्ता से पृथक हो, कहा था ना कि या तो वो होगा नहीं और होगा तो सत्ता से पृथक होगा, ख्याल में आई ना, दूसरा का मतलब समझे, तो सत्ता के बिना स्वयं रहता हुआ इतना ही मात्र जिसका प्रयोजन है ऐसी सत्ता को ही अस्त कर देगा। देखो संस्कृत पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, कठिन तो नहीं है हिंदी, कौन से शब्द का अर्थ नहीं आता है, आता ना शब्द, फिर भी अर्थ समझ में नहीं आता कि सत्ता को कैसे अस्त करोगे, कर देगा। देखो वे क्या कह रहे हैं कि सत्ता का क्या काम, सत्ता नाम का जो है ना सत्ता स्वरूप, सत्ता माने अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व गुण का क्या काम है कि हर द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का गुण है, उससे ये साबित होता है, उसका स्वरूप ये है कि वो है। तो कहते हैं उस सत्ता का एक ही काम था, क्या कि सामने वाले को का अस्तित्व सिद्ध करना, समझ में आई ना। अब वो उससे पृथक है तो वो अस्तित्व उसका कैसे सिद्ध करेगा, यदि वो सत्ता से पृथक है, कौन द्रव्य, तो द्रव्य का अस्तित्व को सत्ता सिद्ध करती थी, उसमें सत्ता नाम का गुण था तो इससे सिद्ध होता था कि द्रव्य है। अब सत्ता गुण निकल गया और फिर वो द्रव्य के, द्रव्य तो फिर भी रह गया, तो फिर रह गया तो सत्ता गुण का काम ही उसको है बना सिद्ध करना था, तो ये बेकार हो गया। अब समझ जाए ना, यानी तुम सत्ता गुण के बिना भी द्रव्य का अस्तित्व रह गया तो फिर उसके सत्ता गुण का तो काम ही था कि तुम्हारे अस्तित्व को स्थापित करें। हम में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है और हम में प्रमेयत्व गुण के बिना ही हम जान लें तुम्हें, तो फिर तुम्हारे में जो प्रमेयत्व गुण का काम ही क्या है कि तुम जानने में आओ ये है, तो तुम वैसे ही जानने में आ गए तो प्रमेयत्व गुण की जरूरत क्या रही। ये सीधी सच्ची बात है कि चश्मा का काम क्या है, चश्मा का काम ये है कि हमारे देखने में सहयोग करे। अब हमने कह दिया जी हमें तो पूरा बिना चश्मा के पढ़ लेते हैं, हमने आपको अखबार पढ़ते देखा है बिना चश्मा के, क्या हम तो पढ़ लेते हैं, तो फिर काय को लगाते हो, शौक के लिए अच्छा लगता है क्यों, फिर यही तो सिद्ध होगा क्या नहीं। यदि हमें चश्मा के बिना पढ़ लेते हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है कि चश्मा लगाना, काय को डॉक्टर को बदनाम करते हो, डॉक्टर क्यों कहता है कि उसका उससे चश्मे की दुकान वाले से कुछ पैक्ट होगा, कमीशन वमीशन मिलता होगा, कि नहीं नहीं वो डॉक्टर कहता है कि लगाना तो इसमें से आँख में धूल मूल नहीं जाती है, समझे ना, तो आँख थोड़ी सुरक्षित रहती है इसलिए लगाना। तो फिर चश्मा का काम आँख को सहयोग करना नहीं रहा, समझे ना सर, तो फिर तो एक पट्टा भी बांध सकते हैं। तो वो कहते हैं सत्ता नाम के गुण का काम क्या था, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करना, और द्रव्य का अस्तित्व सत्ता गुण के बिना ही हो गया क्योंकि सत्ता तो उससे पृथक है, इसलिए पृथकता की बात भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए यही मान लो कि द्रव्य सत्ता
सत्ता है स्वयं, कि द्रव्य स्वयं सत्ता है, सत्ता स्वयं द्रव्य है, दोनों अभेद हैं। फिर मैं जो रोजिना अंत में कह देता हूँ ना, कि जो आपने समझ लिया हो, समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इतना समझ लेना सत्ता और द्रव्य एक है, इनमें कोई अलग अलग नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं रुकेगा, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा ये, तुम पढ़ने तो शास्त्री फिर नहीं लगा पाओगे, ये तुमको ये पूरा समझना पड़ेगा। जैसे आता है सिद्ध कीजिए, उसमें नक्षदांत कौमदी में आता है सिद्धि, और न्याय में भी आता है सिद्ध कीजिए, क्यों कि ऐसा ऐसा तुम्हारा लेखा ग्रंथ में भी आता है ना, एक कोण ऐसे हो, दो कोण ऐसे हो, तो ऐसा होगा, ये सिद्ध कीजिए। तो वो कहते हैं द्रव्य सत्ता है स्वयं, ये सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध कर, तो ये व्यायाम से फायदा क्या है ऐसा लगता है, इसमें क्या फायदा होगा बोलो, सबको ये लगता है, अरे उपवास करेंगे तो भूखे रहेंगे तो कुछ पुण्य बनेगा, भगवान की पूजा करेंगे, इस थाली के मार उस थाली में भेजेंगे तो पुण्य बनेगा, इससे क्या होगा, अब क्या बताएं इससे क्या होगा, इससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होगा, इससे पूजा से ज़्यादा पुण्य बनेगा, ये मेरी गारंटी है शास्त्र के आधार से, बड़े से बड़े पंडित बोला उसके सामने सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि पूजा करने वाले का उपयोग भ्रष्ट रहता है, पूजा तो याद है सारी जिंदगी से की है, तो जवान बोलती रहती है, ये यहाँ वहाँ देखता रहता है, पूछना है जो जो पूजा करते ना इनसे पूछो कि आज पंडित जी दर्शन करने आए थे कि नहीं, फलाने परमात्म जी आए थे कि नहीं, नहीं साहब नहीं आए, तुम्हें क्या पता, मैं था ना, मैंने देखा, मैं पूजा कर रहा था, तो तुम तो पूजा कर रहे थे ना, तुम्हें क्या दिखेगा कि इतने बड़े नहीं दिखोगे हमें, हम देखेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे, सुने मरे, लेकिन ऐसा स्वाध्याय में नहीं हो सकता, पीछे आकर के बैठ के सुन के चला जाए तो तुम्हें पता नहीं चल सकता, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि आपको उपयोग इसमें लगाना है, तो उपयोग इसमें लगाएगा तो वो ज़्यादा शुभ होगा, तो ज़्यादा पुण्यबंध होगा, और जो ज्ञान होगा वो मुफ्त में होगा, उसमें ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और चाह रहेगी तो पुण्य की रहेगी तो वो भी खोटी है, यहाँ चाह भी रहेगी तो काय की रहेगी, ज्ञान की, कि मेरी समझ में आ जाए, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो जो कहता हूँ कि कई गुणा पुण्य होता है इसमें जाना, वास्तव में तो अनंत गुणा होता है, ये मानेंगे नहीं लोग, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ज़्यादा, वस्तु स्थिति ऐसी है, दे समझ दे, पूजा का विरोधी, पूजा का विरोधी मैं स्वरूप बता रहा हूँ, क्या पूजा किसे कहते हैं, गुणेशु क्या है, गुणेशु गुणेशु अनुराग भक्ति, गुणों के गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है, यही है ना, दुर्गुणों में अनुभाव होने का नाम भक्ति तो नहीं है, तो वे पर का करता है ये दुर्गुण है कि गुण है, तो जो दुर्गुण में अनुराग हुआ, और हम ये हमारे गुणों में यदि अनुराग है, अनंत भगवान की सर्वकता में वितरकता में, तो भक्ति तो ये है, तर्क समझ में आया क्या नहीं आया, एक बेटा बाप के पास आया है, पापा कितने बज गए, कि 9:30, फिर आया 5 मिनट बाद, कितने बज गए, कितने 5-7 दफे आया, तो उसने क्यों भाई क्या क्या करना, कि 10 बजे मुझे स्कूल जाना है, तो बेचारे को 9:30 से आकुलता हो गई, और फिर वो घड़ी देखना जानता नहीं है, तो हर 2-2 मिनट में आता है कि पापा कितने बज गए, पापा कितने बज गए, पापा को भी डिस्टर्बेंस और वो बच्चा भी परेशान, तो उसने कहा बेटा इधर आ जाना, वो बताएगा नहीं कितने बज गए, एक है ना ये घड़ी है ना, एक छोटा कांटा है, एक बड़ा कांटा है, एक छोटा कांटा जितने पर हो वे घंटे हैं, बड़ा कांटा जितने पर हो वे मिनट हैं, और मिनट में एक 5 का गुणा कर दे, जो कुछ भी समझ लेना, इस तरह से उसने घड़ी
सीखना सिखा दी। ये कहा तेरी भी दिक्कत खत्म हो, मेरी भी खत्म। अब तुझे जब भी विकल्प आए तो ऐसा देख लेना, क्यों तुझे मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा और मुझे भी परेशानी नहीं होगी, तो उपाय क्या है बोलो। यही सही है ना, कि यदि मैं इसे बता दूंगा कि घड़ी ऐसे देखी जाती है तो फिर भी मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, फिर मेरी से बात भी नहीं करेगा, फिर मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, फिर मेरा डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, फिर ये आज़ाद हो जाएगा। तो तेरा बेटा आज़ाद हो जाए, तेरे को ऐसा इष्ट नहीं है क्यों? तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पूजा किसे कहते हैं, स्तुति किसे कहते हैं, हम तुमको यही सिखा देते हैं, फिर तुम निर्णय करते रहना कि काय में ज़्यादा पुण्य बनता है, काय में पाप बनता है, काय में कैसे होता है, क्या सब विवेक से तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर किसी से क्या पूछना, देखो पूजा करने वाले को ये कभी नहीं जानना है, ये बात सुनना ही नहीं है उसे, उसको तो हमें सुनाएं तो उसको वो निंदा बोलता है कि ये पूजा के निंदक हैं, और फिर सारे देश में आंदोलन चलाता है कि हम पूजा के विरोधी हैं, हम पूजा के विरोधी हैं, इसलिए पूजने लिखी हैं हमने, क्योंकि तुम कोई पूजन नहीं करना इसलिए हमने पूजने लिखी, क्यों? कोई कैसे मान सकता है कि अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार सकता है? हम तो कहें खूब बेटा दिन ना रात पूजन करो, और जो हमारी वाली पूजन है ना वो करोगे तो ज़्यादा पुण्य बन है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है हम जो कह रहे हैं वैसा मत मानना, उसे आगम से मिलान करना, देखना, युक्ति से दिमाग लगा के सोचना, और छह चौक जमे तुम्हारे अंदर में बैठे तो मानना, और नहीं बैठे तो नहीं मानना। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत रंज मात्र भी नहीं है, लेकिन हमको अपना आत्मकल्याण करने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझना है कि नहीं, बोलो। ये निर्णय करो, वो किसी को समझाने के लिए नहीं, ये बात कहेंगे तो विरोध होगा, ये बात कहेंगे तो समर्थन मिलेगा, ये बात कहेंगे तो बहुत लोकप्रियता होगी, ये बात कहेंगे तो हमारी लोकप्रियता कम हो जाएगी, ये बात एक तरफ रखो। अपना आत्मकल्याण करना है कि नहीं? कभी कभी जो लोग हंसते हैं, कैसी बात कर रहा है, काय का आत्मा, काय का आत्मा, कैसा कल्याण, उन्हें आत्मा में ही भरोसा नहीं है, आत्मा भी कोई है ऐसा कहीं भरोसा नहीं है, समझिए ना, उस कल्याण की बात तो बहुत दूर, और उसके लिए वो कोई निर्णय नहीं करना चाहता। अंतिम बात जाके खत्म करता हूं, मुझको 100 में से 99 प्रश्न करने वाले ऐसे मिलते हैं देश में और विदेश में भी, कैसा हमारे बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो हमें अपने बच्चों को कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, तो हम दे नहीं पाते हैं, तो आप हमें वो उनका जवाब बता दो। 90% 99% तुमसे भी पूछते होंगे, मैंने हमारी कोई समस्या नहीं है। अब बच्चे नहीं होते तुम्हारे भाग्य से तो तुम्हें कोई समस्या खड़ी नहीं होती, अभी बच्चे हो गए अभी पूछते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी तो कोई समस्या नहीं है, बच्चों को समझाना है, तो पहले तुम एक दिमाग में से निकालो कि तुम्हें बच्चों को समझाना है, पहले तुम्हें हम समझना है कि नहीं, ये बताओ कि तुम समझे ही बिना बच्चों को समझा दोगे, वो सेकंड बात है कि बच्चों को तुम समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, हमारे पास ले आना। अरे हम हर एक के बच्चों के लिए डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बीमार होता है बच्चा तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, लेकिन अपना इलाज तो खुद करते हो ना, तो तुम्हारी समस्या कौन क्या है वो हमें बताओ तो हम उसका जवाब देंगे।
वो बच्चों वाली समस्या की हमसे बात मत करो, और उसी में से तुम्हारा जवाब आ जाए। और बच्चों को वही सच्ची बात तो समझानी है ना, बच्चों को झूठी बात तो नहीं समझानी है, तो तुम समझा देना, फिर क्या दिक्कत है। कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं कि आपने कही दिया ठीक है साहब, आप ही समझा दो, हम झंझट में पड़ी। माने अपने लिए तो समझना ही नहीं है, बच्चों के लिए भी फिर नहीं समझना। अरे किसी के लिए तो समझ भले आदमी, हम तो ये कह रहे कि तू स्वयं के लिए समझ, और उसमें से बच्चों को समझना हो जाएगा। और वो जब कहते हैं कि तुम बच्चों को तो हम समझा देंगे, तो कहते हम झंझट से बरी हो गए, आपके पास भेज दूंगा। यानी किसी को भी आत्मा के कल्याण के लिए जैन धर्म नहीं समझना है, पूजा पाठ नहीं समझना है, स्वाध्याय नहीं समझना है, जिनवाणी का अर्थ नहीं समझना है। उद्देश्य ही से भ्रष्ट है तो फिर क्या करेगा। ये हो गई मेरी कथा पूरी, मेरे ख्याल से मैं कहाँ पढ़ रहे थे अपन, 105वीं थी ना। किंतु यदि द्रव्य स्वरूप से ही सत हो और द्रव्य के सद्भाव के कारण स्वयं स्थिर हुआ द्रव्य सिद्ध होता है, और सत्ता से अपृथक रहकर स्वयं स्थिर रहता हुआ इतना मात्र जिसका प्रयोजन है ऐसी सत्ता को भी सिद्ध करता है। वो कहते सत्ता को भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, और अब कहते हैं कि वही काम यदि तुम उसके अस्तित्व को मानोगे तो वो सत्ता को भी सिद्ध कर देगा और द्रव्य को भी सिद्ध कर देगा। इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता है, सत्ता स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भाव और भाववान का अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है। अब ये क्या है, ये अगली गाथाओं में आएगा, अब ये अगली गाथा में आने वाला है, अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है। जो पृथकता दो प्रकार की होती है, भिन्नता रूप और अन्यता रूप, अथवा ऐसा समझ लो भिन्नता दो प्रकार की होती है, पृथकता रूप और अन्यता रूप। ये रूमाल और ये एक किताब, ये पृथक पृथक हैं कि अन्य अन्य हैं, समझ रहे हैं। जो दो द्रव्यों के बीच में जो दूरी होती है उसे पृथक बोलते हैं। अब एक ही एक किताब है और इसके ये पेज हैं, तो ये पेज और ये पेज पृथक पृथक है कि अन्य अन्य, वो दूसरी अन्य ही अन्य लगाना, वैसे तो पृथक भी कह सकते हो दो द्रव्य ना, समझ में आया ना। एक द्रव्य के भीतर जो जुदापन होता है उसको अन्यता बोलते हैं, और दो पदार्थों के बीच जो जुदापन होता है उसे पृथकता बोलते हैं। अब ये प्रकरण चलने वाला है कल से, जो पाठ बना के बढ़ाएंगे। अब मेरे हिसाब से तो पढ़ा दिया, जो 8-10 दिन पढ़ाऊंगा वो आधे ही बता दिया भाई एक लाइन में। ये पृथकता और अन्यता की बात है, अब इसकी चर्चा अपनी चलेगी। Yeah.